और मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग का समर्थन करता हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहिए, गुजरात की सरकार का गुनाह है ये। देखिए डॉक्टर बर्क साहब के अंदर ना बाबर की आत्मा आ जाती है कभी कभी, बाबर की रूह घूमती है उनमें। अरे नोट तो हिंदू मुसलमान सबका है, और लक्ष्मी और गणेश जो हैं वो कोई हिंदू देवी देवता थोड़े हैं। मुसलमान को भी धन चाहिए, क्रिश्चियन को भी धन चाहिए, हिंदुओं को भी धन चाहिए। धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, धन के बिना यज्ञ नहीं होता, धन के बिना व्रत नहीं रखा जाता, धन के बिना ईद नहीं हो सकती, धन के बिना रोजा नहीं रखा जा सकता, धन के बिना मंदिर नहीं बन सकता, धन के बिना मस्जिद नहीं बन सकती। लक्ष्मी तो सबकी है। इंडोनेशिया में 90% लोग मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया इज ए मुस्लिम कंट्री। अगर धर्म का मसला होता लक्ष्मी पे, तो इंडोनेशिया में वहाँ के उस पे श्री गणेश और लक्ष्मी क्यों होते? तो लक्ष्मी का होना धर्म का मसला नहीं है, अर्थव्यवस्था का मसला है, आस्था का मसला नहीं है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग का समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान कल्कि का चित्र भी बनाए और भारत माता का चित्र भी बनाए। ये देश भारत है। अरविंद केजरीवाल की मांग बिल्कुल ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहिए, गुजरात की सरकार का गुनाह है ये। और जिस तरह से जिस बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री जी वहां भाषण दे रहे हैं, हैट टोप लगा लगा के सैकड़ों लोग मर गए, यही प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। जब बंगाल का चुनाव हुआ था, बंगाल में हादसा हुआ था, तो इन्होंने ये कहा था कि जिस राज्य में ये हादसा हुआ इसका मतलब है भगवान नाराज हो गया है। बंगाल में जो सरकार है उससे भगवान नाराज है, तो ये हादसे हो रहे हैं।